तो आ गए आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वेस्टर्न सर्वाइवल इस नई गेम प्ले वीडियो में। और गाइस आज के इस गेम प्ले में काफी ज्यादा अमेजिंग चीज होने वाली है, स्वाद आ जाएगा आपको। तो गाइस फिलहाल के लिए जो मेरा लेमेंट लिमोरवल था जो काफी ज्यादा अमेजिंग है, आपने देखा होगा ज्यादातर गेम में इसी को लेकर प्ले करता हूँ। पता नहीं क्यों गाइस सबका डैमेज इससे ज्यादा भी है और इससे ज्यादा स्पीड भी है, लेकिन जो ये गन है ये गन तबाही मचा देती है। तो आज के इस गेम प्ले में टास्क में आया था कि ये वाला गन मिलेगा, एक बार और आया था तो मैं ले नहीं पाया था, लेकिन आज जरूर लेंगे। तो गाइस फिलहाल के लिए यहाँ पे जो बैग वगैरह था उसको क्राफ्ट करने के लिए ना मैंने बना दिया, पहले इस बैग से ये बैग बनेगा, फिर उस बैग से वो ग्रीन कलर का जो बैग होता है ना वो बनेगा। तो गाइस उसके अंदर सबसे मेन बात ये होती है कि आप उसके अंदर दो गन आप अपने पॉकेट में रख सकते हो और हीलिंग की चीज़ें भी रख सकते हो, और वो बैग है ये रैगर बैग गन जो भी हो बैकपैक। तो गाइस फिलहाल के यहाँ पे उसकी सामग्री को मैं इकट्ठा करके उसको बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि मैं उसको क्राफ्ट कर पाऊँ। दो बैग रहेंगे, एक डैमेज होगा तो दूसरा तो यूज हो ही जाएगा। तो ऐसे ही करके गाइस मैं सर्वाइव कर रहा था, लेकिन जब वो गन आया ना मेरा दिल पता नहीं क्यों बोला कि आज तो करना है, कैसे भी करें लेकिन आज करना है। तो आओ यार अपने इस गेम प्ले को बिना किसी दिक्कत या परेशानी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं 1K सब्सक्राइबर के। तो प्लीज़ अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री, इतना फ्री कि भंडारे में भी चीज़ें फ्री नहीं होती, उसमें आपको लाइन में लगना पड़ता है, इसमें कोई लाइन वगैरह नहीं है, दबा दो बिल्कुल ग्रे टाइप का कर दो। और कमेंट करके बताना कि आपको आज का गेम प्ले कैसा लगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ गाइस, मैंने यहाँ पे जो कपड़े थे वो क्राफ्ट करे थे तो मैंने फटाफट से उसको उठा लिया, बैकपैक को भी पैक कर लिया। और ये जो स्वेटर है ना इसका जो इससे हमें ठंड है ना थोड़ी सी कम लगेगी बाकी मुकाबले, और काफ़ी देर तक भी टिकेगा अगर हम मरे ना तो। और मैं उस गन जो बैकपैक था उसे मैं इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि मेरे को पता है 100% पता है ये कुछ ना कुछ चुल करेंगे जिससे मेरे को गुस्सा आएगा और मैं वो कम्प्लीट नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी वेरी हार्ड है ये। तो मैं फटाफट से जितने भी हीलिंग थे सबको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, अगर बचेगा तो वापस आ जाएगा वरना तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आता हूँ और गाइस फटाफट से उस टास्क को एक्टिवेट करते हैं, 10 हीलिंग भी दे रहे हैं तो दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत कहीं नहीं आ रही। फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ हीलिंग वगैरह को अपने पॉकेट में डाल लेता हूँ और यहाँ से फटाफट से पहुँच जाता हूँ आयरन मैन पे। और आयरन मैन के पास आते ही यहाँ पे सबसे पहले आपको मैप का पीस इकट्ठा करना होता है, वो तो सबसे ज़्यादा हलवा चीज़ कर दिया है, सबसे ज़्यादा ताकत लगती है उनके पास जाके लड़ने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे एनिमल हैं, ये भी आपको धज्जिया उड़ा सकते हैं अगर आपके पास स्पिरिट कम है तो। यहाँ पे आता हूँ एक मैप का पीस मिल जाता है, और कल की गेम प्ले कल या परसों गेम प्ले में ना कि मैंने है ना मैप का पीस इकट्ठा किया था और मैं उसको मैप का पीस इकट्ठा कर लिया था, बस वहाँ पे जा नहीं पाया था, दरअसल मेरा कुछ काम आ गया था तो मैं वो करने लग गया था, इतने में टाइम ख़त्म हो गया और वो इवेंट चला गया। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो मैप गायब हो गया, पहले वो गायब नहीं होता था, आपके बैग में पड़ा रहता था, अगर जैसे ही आप उसको एक्टिवेट करते थे मैप को तो आपका जो उनसा भी टास्क लगा हो दो मैप के पीस में इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको दोबारा से करना होगा। तो हमको दिक्कत कहीं नहीं आ रही, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही, मुझे बस इन शमशान घाट के मुर्दों से लड़ना होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक साथ 10-10, 20-20 आते हैं और जो डैमेज देते हैं ना वो अलग लेवल होता है। और सबसे ज़्यादा गंदी ये होती है कि अगर आपने हीलिंग लगा ली वो हीलिंग भरते भरते जा रही, इतने में इन्होंने उससे ज़्यादा डैमेज दे दिया तो आपकी कहानी ख़त्म। तो मैंने दोनों मैप के पीस को इकट्ठा कर लिया था, यहाँ से बस निकलने ही वाला था, तो थोड़ा सा मन में लालच आता है और सोचता हूँ कि थोड़ा सा आए ही आयरन मैन में तो आयरन कलेक्ट कर ही लेते हैं, तो यहाँ पे आयरन मैन कलेक्ट कर ही रहता था तभी ये शमशान घाट का मुर्दा बाउंटी हंटर निकल जा पहली फुर्सत में। अभी पापा बिजी हैं तो पापा तुम्हारे सामने टाइम वेस्ट और अपनी रिवॉल्वर की गोलियां वेस्ट नहीं करने वाले, तो निकल जाओ यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास थोड़ी बहुत आयरन हो चुके थे तो यहाँ से मैं सोचता हूँ कि थोड़ी और इकट्ठे कर लेते हैं, कम से कम 20 तो कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं 16 या 18 करके यहाँ से फटाफट से निकल जाता हूँ। अब जैसे यहाँ से निकलता हूँ मेरे को याद आता है मैप का पीस तो मैंने ज्वाइन किया ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं ग्लोबल मैप में ज्वाइन कर लेंगे और तभी वो हिडन प्लेस शो हो जाएगा। तो जैसे ही मैं ग्लोबल मैप पे आता हूँ फटाफट से जो हमारा वो आ रही है क्या लोकेशन आ रहा है अभी कर देंगे, आज कंप्लीट हो जाएगा, आज हमारा पैट हाउस कंप्लीट हो जाएगा, तो इंतजार करो आज डालता हूँ, नहीं तो मैं कल ही गेम प्ले डालूंगा क्योंकि अगर आज इवेंट आया तो 100% है कि हम कर देंगे, बाउल इकट्ठा कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही, यहीं पर ज़्यादातर आता है। तो और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे वो इवेंट का पता चलता है, आप कुछ देर प्ले करो तो उसके बाद प्ले करने के बाद है ना आधे घंटे तक प्ले करोगे तो इधर से उधर जाते रहोगे ना, जब आपके पास एनर्जी कम बचेगी तो 100% शोर वही होता है कि वो तभी आपको इवेंट देगा ताकि आप जा ना पाओ, 5-6 मिनट का टाइम होता है उतने के बीच में आपको वहाँ पर जाना है और कलेक्ट करना है, तो कोई टाइमिंग नहीं होती, जब भी आप प्ले करना स्टार्ट करते हो तो लगातार 1 घंटे या फिर आधे घंटे तक प्ले करो आराम से आपका आ जाएगा, ज़्यादातर तो यही होता है और किसी भी टाइम हो सकता है,
तो देख लेना। और यहाँ पे ये जो डिस्ट्रॉयर है ना, सबसे ज़्यादा गंदा मेरे को यही लगता है। मतलब खुद तो ऐसे अड़ा रहेगा और बाकियों को बाकी मारते रहते हैं। तू या फिर बहुत धीरे चल या फिर इनको तेज चलने दे, ऐसा सिस्टम सबसे ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि कम से कम इनको तो मैं मारूँ, इनको मारने के चक्कर में डिस्ट्रॉयर ये इनका आर्मर पहन के, जैसे कि ये इनका आर्मर हो और ये सारे मुर्दे हों, ये आ जाता है और इसको चक्कर में बाकियों को नहीं मार पाता। ये गन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और अभी अभी जस्ट रिपेयर करवाई थी और अभी अभी इन शमशान घाट के मुर्दों ने कर दिया काम। हीलिंग वेस्ट हुई क्योंकि मैंने लगातार दो बार टैप कर दिया ताकि जल्दी से हेल्थ भरे। हीलिंग वेस्ट हुई, सारा कुछ वेस्ट कर दिया। तो अब हमको आ चुका है गुस्सा, अब हम करेंगे पेमेंट। और अभी कुछ ना कुछ आया था स्पेशल, हाँ ये गन ये गन ये गन। अब हम जाने वाले हैं उनके पास, अब उनको नहीं छोड़ेंगे, पापा को मारते हैं। अभी पापा बताता है पापा क्या कर सकता है। तो फटाफट से इसको मैं परचेज करता हूँ, मेरे को गुस्सा आ गया है। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए थे, चले गए। इस 90 रुपये का बदल लूँगा कौलिया, तुमसे लूँगा। बेटा तुमने अपने बाप को गुस्सा दिलाया है, अब बाप का गुस्सा देखो कितना ज़्यादा होता है। और यहाँ पे आया नहीं, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो? तो आई थिंक हाँ वो मेरे बैकपैक के अंदर होगा। ये रहा और ये रहा, फटाफट से इसे कलेक्ट करता हूँ और इसके कपड़े वगैरह मैं पहन के देखता हूँ कि क्या ये ठंड से हमें बचाएगा या नहीं। ये मैंने क्यों ओपन कर दिया। और ये जो मेल बॉक्स है ना, मैं आपको दिखाऊंगा, ये अभी काफ़ी जगह पे आ चुका है। तो यहाँ से मैंने हीलिंग वगैरह भी इकट्ठे कर लिया, अब जाके यानी हीलिंग को मैं रख देता हूँ। क्योंकि अब जो है ना, मैं काफ़ी सारे गोल्ड इकट्ठा करना चाहता हूँ, तो जितनी भी हेल्थ इकट्ठा हो सकती है मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाऊँ। अगर वो स्नेक नहीं आया ना, तो हम कम से कम 20 या 25 लेवल कर देंगे, हम टॉप 3 में तो या 2 में तो आ ही जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी टॉप 1 में आने की, क्योंकि जितने भी हीलिंग है ना सबको इकट्ठा करके गाइस एक ही बजे में कम से कम 10 स्लॉट में भर दूंगा, ऐसे 20-20 करके, वो भी रैर वाले के, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और वहाँ पे जाएं 1 बजे कर दें तो हमारा जो सिस्टम है ना, वो बोट वोट बोट के जो पार्ट्स हैं वो 1 बजे में कलेक्ट कर ले, बाकी की चीज़ तो धीरे धीरे होती रहेगी। लेकिन उसके लिए मेरे को फाइनेंस वगैरह पे अपग्रेड करवाना होगा, क्योंकि मटेरियल को मेल्ट करके जो भी वो स्लिप टाइप की बनती है ना, वो भी मेरे को चाहिए। तो वो भी अब तक मैंने एक भी इकट्ठे नहीं करी। तो फिलहाल के लिए तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ये होता है कि आप बोट्स के पार्ट कलेक्ट करो। तो मैं सोच रहा हूँ हीलिंग इतनी ज़्यादा लेके जाऊँ कि मेरे पास कोई सी भी गन हो, मैं लड़ जाऊँ उनसे। तो बस वो सांप ना आए, वो सांप इतना ज़्यादा डैमेज देता है ना, और कि हीलिंग मेरी सारी की सारी वहीं चूस लेगा। तो बस वो ना आए। विंडिगो तो चलता है, उसको तो ऐसे ही दिखा के मार देंगे या घुसे पेटी मारेंगे, साला ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। तो यहाँ पे मैंने हीलिंग वगैरह भर लिया, थोड़ी बहुत हीलिंग भी लगा दी क्योंकि मेरी हीलिंग कम थी। तो एक और यहाँ पे मेरे पास बैंडेजेस थे, उसको मैंने लगा लिया फटाफट से। अब आपको दिखाने की बारी आ चुकी कि बाप क्या कर सकता है। तो फटाफट चलते हैं और अपने बेटे को बताते हैं कहाँ गए। उन्होंने मारा, चीटिंग करी गाइस, उसने चीटिंग करी उन्होंने। तो फटाफट चलते हैं, कहाँ है ये रहा है डाउट। और फटाफट से यहाँ पे पहुँचते हैं और उनको मारेंगे। यहाँ पे मैं इनको फीड कर देता हूँ, मेरे पास अब हॉर्स की फीड भी नहीं बची, इन्होंने सब कुछ ख़त्म करा दिया। अब आज मेरे को गुस्सा आ चुका है, तो इन बेटा को बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, जल्दी से पहुँचता, अरे घोड़े दम जाएंगे तेरे में, जल्दी से पहुँचा मेरे को वहाँ पे। तो फटाफट से वहाँ पे फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पर। थोड़ी सी 1-2 सेकंड के बाद हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और बिल्कुल शानदार एंट्री रहेंगे। तो संभल के बैठो, पापा आ चुके हैं। पापा इज़ बैक, कहाँ हो तुम, अभी निकल के आओ, पापा आ चुके हैं। बेटो वेर आर यू सन, अरे इधर आओ, तुम्हारा इंतज़ार था, पापा को मारोगे, चीटिंग से मारोगे पापा को, आ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार था। तुम्हारा वो बड़ा बेटा कहाँ है तुम्हारा, अरे इधर आ, तेरे को ही तो मारना था। अब 1-1 फाइट होगी, रेंडू को भोसड़ी की पापा को मारेगा। ये देखा, पापा को मारने चला हुआ है, अगली बार आना तो थोड़ा अच्छे से खा पीएगा खाना, पापा को चीटिंग से मारते हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे मैंने इनको मार दिया, और जो ये कपड़ा, ये ठंड के लिए नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, बस ये है 90 रुपये का चूना लग गया, लेकिन आज मैंने अपने बेटों से बदला ले लिया, वो भी अच्छे तरीके से, अब दोबारा से टांग नहीं अड़ाएंगे ये। मतलब मैंने 2 हेल्थ लगाई, दोनों वेस्ट गई, क्योंकि दोनों में तो हेल्थ फुल हो ही रहा था, तो दोनों वेस्ट गई, तो क्या ही करें। तो फिलहाल के लिए मैं आ चुका था अपने सेल्वेस्टर टाउन पे। यहाँ पे आने के बाद मैंने कलेक्ट कर लिया, तब देखा कि मेरा रिकॉर्डर बंद था, लेकिन गाइस मैंने जितने भी टास्क थे सब कुछ, ये देखो ये मेरे को गन मिल गई, ये हीलिंग मिल गई, और मेरे को कुछ कॉइन भी मिल गया, और ये देखो मेल बॉक्स एक नया आ चुका है यहाँ पे। तो गाइस आज नहीं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक।